तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी पिल ऑफ मास कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट है, सारी चीज़ें वीडियो में क्लियर होने वाली है। चैनल पर सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो पिल ऑफ मास को आप गर्मी में यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टैनिंग होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्किन जलती रही है। तो हम इसको यूज़ करेंगे और इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाऊंगी और कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। एंड पिल ऑफ मास को कैसे यूज़ करना है वो भी बताने वाली हूँ, कैसे निकालना है वो भी बताने वाली हूँ, सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। इससे पहले मैंने इससे पहले यूज बताया था टैनिंग अगर बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको कैसे रिमूव करना है, वीडियो जाके चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, एक ही यूज़ में सारी टैनिंग खत्म होगी, दोबारा यूज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए पिल ऑफ मास को यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि फेस की जो डर्ट है, गंदगी है और टैनिंग है, निकलती है या नहीं निकलती और कैसा ग्लो देता है। या 50 मिनट्स फार्मूला गोल्डन पिल ऑफ मास्क एवरी यूज़ का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा हाथों पर लेना है। देखिए कितना सारा मैं ले रही हूँ, इतना सारा ले लिया है मैंने। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की डायरेक्शन में आपको लगाना है क्योंकि आप जब भी कोई पैक लगाते हो तो आपको हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो होती है अगर आपने नीचे की तरफ लगाया तो हमारी स्किन पर रिंकल्स ज़्यादा दिखने लग जाएगा, यहाँ पर हमारी फाइन लाइन्स होती है अगर आपने नीचे की तरफ लगाया तो ये भी ज़्यादा दिखने लग जाएगी, इसलिए आपको ऊपर की तरफ लगाना है। पैक लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, आपको ऊपर की तरफ हमेशा लगाना है। यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रही एग्जैक्ट वैसे ही आपको भी लगाना है और थोड़ा मोटा लेयर लगाना है। इसको अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही रिमूव करना है। फोरहेड को बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि फोरहेड पर मैं सबसे ज़्यादा गंदगी और डर्ट फील होता है हम लोगों को। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, देखते हैं इसको सूखने में कितना टाइम लगता है। टी शर्ट पर भी गिर गया है, आईब्रोज पे नहीं लगाना है नहीं तो उखाड़ते टाइम हो सकता है कि हमारी आईब्रोज भी निकल जाए। लगाने के तुरंत बाद थोड़ा सा जलन फील हो रहा है बट कोई बात नहीं, इतना होता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है तो इतना तो होगा बट कोई डरने की बात नहीं है। तो धीरे धीरे ही ठंडा होने लग जाएगा। बचा हुआ प्रोडक्ट मैंने गर्दन पे लगा लिया बट अगर आपने पतली लेयर लगाई तो आपको निकालने में इसको दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा मोटा लेयर हम लोग गर्दन पे भी लगा लेंगे। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होते रहती हैं डे बाय डे। तो पिल ऑफ मास्क को आपको कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो रही हैं। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी थंबनेल पे लगाने के लिए। तो चलिए इसको वेट करते हैं, फिर 15 मिनट लिखा हुआ लेकिन देखते हैं कितनी देर में हमारा ये पैक जो है वो ड्राई हो जाता है। तब तक मैं अपने हाथों को कर देती हूँ साफ। तो जब तक ये एवरी यूज का पिल ऑफ मास्क सूख रहा है तब तक हम लोग चलते हैं सिलाई करने। मेरी मशीनें वहाँ पे रखी हुई हैं और मुझे बुला रही हैं कि आप आ जाओ सिलने, नहीं तो कस्टमर आ जाएंगे, तो कस्टमर आ जाएंगे कपड़े मांगने के लिए, फिर मैं कहाँ से दूंगी। तो ये देखिए हमारे मशीनें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं रखती हूँ और मैं इसी मशीन पर बैठूँगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो चलिए मिलते हैं फिर से इसको सूखने तक। तब तक मैं अपना ब्लाउज रेडी कर लूँ जो कस्टमर को देना है। Thank you.
थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी आने जाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये लगाए हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो गए बट अभी तक ड्राई नहीं हुआ, बट गर्दन के पास का आप देख सकते हो ऐसे ड्राई हो चुका है क्योंकि मैं काम कर रही थी तो ये अच्छे से पक गया था। एंड अभी हाँ बहुत जब मैंने लगाया था तो ये जलन फील हो रही थी बट बाद में ये बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है एंड बालों में भी लग गया है। बालों के लिए भी बहुत अच्छी सी रेमेडी है जिससे आपका हेयर फॉल कम होगा एंड जो ड्राइनेस है बालों में वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कब तक ड्राई होता है एंड इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो कैसा आता है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मेरा पैक अच्छे से सूखा ही नहीं था लेकिन मेरे सासू माँ ने बोला कि चाय बना लो, फिर मैं चाय बनाने चली गई। फिर मैंने सोचा थोड़ा मैं पानी पी लूँ, बस पानी पीने टाइम मेरा मुंह खुल नहीं रहा था, फिर मैंने कैसे कैसे करके पानी पी लिया। फिर मैंने बना ली चाय एंड पानी को वापस रख देते फ्रिज में एंड मैंने बना ली चाय। और चाय बनाते बनाते मेरा जो पैक था पिल ऑफ मास्क और ज़्यादा गीला हो गया, फिर ये सूखने में और ज़्यादा टाइम ले रहा था। गर्दन पे जैसे कि सूख चुका था थोड़ा बहुत, बट क्या कर सकते हैं। फिर मैंने चाय बनाई थी हम लोग, मैं बाहर ले गई, सासू माँ को दिए, खुद पिए, अपने बच्चों को दिए थोड़े थोड़े चाय, क्योंकि वो लोग बोल रहे थे बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, बट मेरा बड़ा बेटा बोल रहा था मम्मी थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, तो मैंने दे दिया। ये देखिए पैक गर्दन पे काफ़ी अच्छे से सूख चुका था बट चाय पीते पीते मेरा गर्मी की वजह से दोबारा से पिल ऑफ मास्क जो था वो गीला हो गया। एंड फिर मैंने थोड़ा ड्राई किया इसको, फिर ड्राई करके मैं यहाँ पे इसको निकालने की कोशिश कर रही थी तो गर्दन पे से तो इजीली निकल रहा था क्योंकि गर्दन पे मैंने काफ़ी पतली लेयर लगाई थी बट फेस पे मैंने काफ़ी मोटी लेयर लगा दी थी जिसकी वजह से ये निकल नहीं रहा था। एंड सूख जब तक ये पूरा अच्छे से सूखेगा नहीं तब तक नहीं निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा मैंने गलती कर दी बहुत मोटी लेयर लगा के, तो आप इतनी मोटी लेयर मत लगाइएगा। मुझे कम से कम इसको सुखाने में आधा पौना घंटा तक लग गया था। और आप अगर लगा के तुरंत कूलर के आगे या पंखे के आगे बैठ जाओगे तो सूख सकता है बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा है एंड लाइट भी कट जाती है गांव में बार बार। तो इसको मैंने पूरा ड्राई किया, उसके वजह से मैंने इसको रिमूव किया धीरे धीरे करके और बिल्कुल पेन वेन उतना फील नहीं होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा था कि बहुत पेन फील हो रहा है बट मुझे उतना नहीं हो सकता है कि मेरे फेस पे ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है इस वजह से नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से अभी ये सूखा नहीं था, फिर मैं पंखे के आगे थोड़ी देर बैठी कि ये अच्छे से सूख जाए, फिर थोड़ा सा ड्राई हुआ, फिर मैंने इसको थोड़ा सा निकाला इस तरीके से एंड फिर ये जैसे गालों पे जो लगा हुआ है वो अच्छे से नहीं सूखा था। फिर मैंने उसके लिए वेट किया, ये देखिए यहाँ पे मेरे बालों में चिपक गया था तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पेन फील हुई थी। तो देखिए ये वाला गीला है, फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लूँगी और सूखने दूँगी जब ये सूख चुका है, फिर इसको रिमूव करूँगी। रिमूव करने के बाद से मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया था। तो इस तरीके से मैं रिमूव करती थी बट ये गीला था, फिर मैं जाके कूलर के आगे बैठ गई और फिर अच्छे से ड्राई किया और फिर अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। काफ़ी देर से वेट करते करते हो गई थी बुरी हालत बट क्या कर सकते, अब लगाया है तो निकालना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया। और जैसा बात करें ग्लो की तो थोड़ा बहुत ठीक है बट आप जैसा फेशियल से ग्लो आता है वैसे तो इससे नहीं आएगा, बट आपको जल्दी जल्दी में कुछ करना है तो आप ये कर सकते हो। बट जल्दी जल्दी क्या ही बोलूँ मैं, पतली लेयर लगाइएगा अगर आपको जल्दी में चाहिए तो, बिल्कुल हवे के आगे बैठिएगा, पंखे के आगे बैठिएगा ताकि जल्दी सूख जाए और रिमूव हो जाए। 15 मिनट तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ आधे घंटे में 20-25 मिनट में सूख जाएगा ये और आप रिमूव कर लोगे इसको। और पतली लेयर लगाइएगा, मोटी लेयर मत लगाइएगा क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मोटी लेयर लगा लीजिएगा बट मोटी लेयर मत लगाइएगा। फिर मैंने इसको जैसे तैसे रिमूव किया, फिर अपने फेस को पानी से वॉश किया एंड ड्राई कर लिया, काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। अगर आपके स्किन पर डेड स्किन है, स्किन ग्लो नहीं, मतलब स्किन बहुत डल सी दिख रही है तो ये काफ़ी हद तक ठीक कर देता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसको लगाने के बाद आप थोड़ा सा घी लेके अपने फेस पे मसाज कर लोगे, अगर ड्राई स्किन है तो, ड्राई स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, घी थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा, आपके स्किन में बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाएगी। तो इसको मैंने ड्राई करके अच्छे से निकाल दिया था और फिर से बोल रही हूँ ज़्यादा मोटी लेयर मत लगाएगा, पतली लेयर लगाएगा। मैंने मोटी लेयर लगा के गलती की, मुझे बहुत टाइम लगा, मैं बहुत परेशान हो गई थी इस पिल ऑफ मास्क की वजह से। फिर मैंने इसको रिमूव कर लिया और काफ़ी अच्छा फ्रेश फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लो तो नहीं बोलेंगे बट काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था और टैनिंग वगैरह अच्छे से निकल जाती है इससे, बहुत अच्छे से तो नहीं 50% तक निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरीके की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अपलोड होती रहती हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे प्यारे व्यूअर्स के पास पहुँच पाए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।